हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला किचन। आज हम बनाएंगे चने की ग्रेवी वाली सब्जी। मैंने चने को रात को भिगो के रखा था और सुबह मैंने कुकर में बॉईल करके लिया है। मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और मेरे पास लहसुन की चटनी का तेल है तो डाल रही हूँ मैं। तो लहसुन की चटनी अगर आपके पास है तो आप पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो टोटल मैंने 3 टेबलस्पून तेल लिया है। थोड़ा सा हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, 3 हल्दी, 3 ऑनियन, 3 प्याज और अदरक और लहसुन की पेस्ट डाली है। इसमें टमाटो के पेस्ट डालेंगे। इसमें ग्रीन टमाटो मैंने यूज किया है, आप इसमें रेड टमाटो यूज कीजिएगा। मेरे पास ग्रीन है तो मैंने ग्रीन डाला है। इसको भी अच्छे से रोस्ट करके लेंगे हम। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हमने स्टार्टिंग में ही हल्दी थोड़ी सी डाली थी तो उसमें कम हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं। चिकन मसाला, किचन किंग मसाला, काला मसाला, अगर काला मसाला नहीं है तो आप कौन सा भी गरम मसाला डालिए। जब तक इस तरह से तेल नहीं दिखाई देता है तब तक हमें अच्छे से भून के लेना है। हम बॉइल पोटैटो डालेंगे। मैंने चने बॉइल करते समय एक छोटा पोटैटो रखा था स्टीम करने के लिए, इससे हमारी ग्रेवी ठीक हो जाएंगी। हमें चना में पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चने डालेंगे, मैंने काले चने का पानी अलग से रखा था। आपको जितना ग्रेवी करनी है उतना आप डालिए। पतली चाहिए तो पतली कीजिए, ठीक की ऑफिस में लेके जाना है तो आप ठीक ग्रेवी भी कर सकते हैं या मीडियम ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, नमक डालेंगे, अच्छे से बॉईल करके लेंगे। सब्जी रेडी है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मैं गैस बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर बनाएं और इसको स्टीम राइस, पुलाव, रोटी, चपाती, पूरी, स्लाइस ब्रेड किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। और इसको ज़रूर बनाएं और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।